हल्द्वानी में प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री और नैनीताल लोकसभा से प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में रोड शो किया, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता और शहरों के लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री का रोड शो कालाढूंगी चौराहे से तिकोनिया चौराहे तक निकला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र के पर्व पर बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दिन रात देश के लिए काम करते हैं और लोगों का एक वोट देश को फिर से नई दिशा और नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड से पांचों सीट भाजपा जीतने जा रही है। 4 जून को ऐतिहासिक नतीजे आएंगे। महायज्ञ है, इस महायज्ञ में सभी को अपनी आहुति देनी है। सब लोग बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लें और आपका एक एक वोट इस देश की दिशा और दशा को बदलने वाला है, देश का इतिहास बनाने वाला है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे 10 सालों तक एक एक पल और एक एक क्षण देश के लिए लगाया है। उत्तराखंड के लिए विशेष उन्होंने चिंता करी है। उत्तराखंड उनके हृदय में बसता है। उत्तराखंड से उनको एक अत्यधिक लगाव है। हर समय उनके स्मरण में उत्तराखंड रहता है। इसलिए अब हम सभी उत्तराखंड वासियों की बारी है, हम 100% यहाँ से मतदान करें और 100% वोटों से प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मत जरूर डालें। सीएम साहब, पूरे चुनाव में कमान आपने संभाली, किस तरह की उम्मीद है पांचों लोकसभा सीट पे? जब पिछली बार के इतिहास दोहराएंगे, क्या बंपर की उम्मीद है? पूरा एकदम ऐतिहासिक होगा और ऐतिहासिक जीत विजय होगी। विशेष